नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से चारों ओर डर का माहौल बन गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग इससे काफ़ी ज़्यादा डरने लगे हैं। हर दिन लाखों की संख्या में मामले आ रहे हैं और हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है। वहीं दूसरी लहर लोगों के लिए इसलिए भयावह बनी हुई है क्योंकि इसके कारण मरीजों का दोनों लंग्स प्रभावित हो रहा है। दोनों फेफड़े प्रभावित होने की समस्या को डबल निमोनिया का नाम दिया जा रहा है। हम में से कई लोग डबल निमोनिया से अनजान हैं। ऐसे में एक्सपर्ट से जानते हैं डबल निमोनिया कोरोना के मरीजों को किस तरह कर रहा है प्रभावित और कैसे होता है इसका इलाज। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले जब किसी व्यक्ति को निमोनिया होता था तब सिर्फ एक ही लंग्स इफेक्टेड होता था। पहले कीटाणु या फिर वायरस शरीर में प्रवेश करके लंग्स के किसी एक हिस्से को ही प्रभावित करते थे। अब कोविड-19 से ठीक हुए कुछ व्यक्तियों को दोनों लंग्स प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि फेफड़े कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित नहीं हो रहे बल्कि वायरस के द्वारा बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स होता है। वो इम्यून रिस्पॉन्स वायरस को प्रभावित करने के साथ साथ फेफड़ों को भी प्रभावित कर रहा है। ये इम्यून रिस्पॉन्स शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। मेडिकल भाषा में इस समस्या को साइटोक्रोम स्टॉर्म कहा जाता है। सामान्य भाषा में इस समस्या को डबल निमोनिया का नाम दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि डबल निमोनिया के लक्षण सामान्य निमोनिया की तरह ही होते हैं, जैसे खांसी, छाती में दर्द, सांस फूलना, ऑक्सीजन स्तर कम होना, कंजेक्शन, फीवर, ब्रीदिंग रेट बढ़ना, काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस करना, डायरिया, मानसिक स्वास्थ्य पर असर, नकसीर इत्यादि लक्षण देखने को मिल रहे हैं। कोरोना हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है लेकिन कुछ लोगों को डबल निमोनिया का खतरा ज़्यादा है, जैसे कि बच्चों और नवजात शिशुओं को, 65 से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को, कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्तियों को, गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति जैसे अस्थमा, डायबिटीज़ या हार्ट फेलियर, शराब और धूम्रपान करने वाले लोगों को। वहीं अगर आपके लंग्स भी गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं तो आप घर पर ही रहकर इसका इलाज करवा सकते हैं। जैसे अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सही है, ज़्यादा खांसी नहीं हो रही, फीवर भी कम है, सांस नहीं फूल रहा, तो ऐसे मरीज़ घर पर रहकर ही इलाज कराएं। कोरोना के करीब 90% ऐसे ही मरीज़ होते हैं। सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जिन्हें गंभीर लक्षण देखे गए हैं। 90% मरीज़ घर में रहकर ठीक हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।